बड़ी खबर ललितपुर से आ रही है। यहाँ ललितपुर के एक्सिस बैंक के मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक और व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी। मैक्स लाइफ में पॉलिसी जमा के नाम पर धोखाधड़ी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में नहीं की लाखों की किस्त जमा। मैक्स लाइफ में कार्यरत कर्मचारी ने किया घोटाला। 1 लाख से ज़्यादा रुपये की धोखाधड़ी कर व्यक्ति को ठगा। लगातार शिकायतों के बावजूद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। मैक्स लाइफ में पूर्व में रहे कार्यरत जुनेद खां पर लगे 1 से अधिक ठगी के आरोप। पॉलिसी जमा के नाम पर की ठगी। एक बार फिर एक्सिस बैंक में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पर गंभीर आरोप। बैंक द्वारा कठोर कार्रवाई न करने पर संस्था को किया जा रहा बदनाम। बैंक में कार्यरत है जुनेद खां पर लगातार लग रहे आरोप। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक सहित चौकी प्रभारी को पूर्व में दिया शिकायती पत्र। कोई कार्रवाई न होने से ठगी करने वालों के हौसले बुलंद। पीड़ित खा रहा दर दर की ठोकर। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक सहित सीओ सदर को शिकायती पत्र देते हुए जुनेद खां पर लगाए गंभीर आरोप। कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। मामला एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ से जुड़ा हुआ। नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार जैन। कहाँ से आए हैं? गजरा पैलेस ललितपुर। क्या है मामला आपका? हमारे मिसेज के नाम मैक्स लाइफ की पॉलिसी चलती थी। वो बीमार हो गई तो वो पॉलिसी के मैंने 1 महीने मान लो 4-5 महीने पैसे जमा नहीं कर पाए। इसके बाद मैं पैसे जमा करने से लिए गया तो जुनेद ने मुझे धोखाधड़ी करके दूसरी पॉलिसी खोल दी। वह बोले कहने लगे चाचा आपका पैसा वापसी होकर आ जाएगा 8 दिन में। नहीं आया। इन्होंने मुझसे 1,04,500 रुपया लिए 2 किस्तों में। एक जून में लिए 52,250 और 52,250 रुपया इन्होंने जुलाई में लिए है। और इनसे मैंने फिर कहा कि भैया हमारे मैक्स लाइफ से फ़ोन आ रहे हैं आपने जमा नहीं किए हैं। तो बोले कहने लगे नहीं चाचा वो आप फ़ोन उठाना बंद कर दीजिए वे फर्जी कॉल आते हो। फिर भाई बराबर आए तो वो ये बोले कहने लगे आपको जो दिखाए तो हमारा कर। हाँ फर्जी माने इन्होंने हमें रसीद दे दी। हम ले कर के घर चले आए। इसके बाद मैक्स लाइफ से मेरे फ़ोन आए तो मैंने कहे आपकी 2 किस्तें ड्यू हो गई। तो जुनेद से मैंने कहा कि जुनेद जी हमारी दोनों किस्तें क्यों जमा नहीं हुई। बोले कहने लगे आप फ़ोन उठाना मैं कंपनी के बंद कर दूँ। इसके बाद कई दिन बीत चुके लेकिन इन्होंने से फिर मैंने कहा तो जी हमें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद में फिर हमने वो मैक्स लाइफ में रसीद फोटो कॉपी डाली तो वो फर्जी निकली। तो इनसे फिर बोला बोले कहने लगे ज़्यादा करोगे तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे और कहीं भी शिकायत करी तुमने तो फिर देख लेंगे। आपने इस मामले की शिकायत नहीं की पहले? इसकी शिकायत मैंने SP महोदय को रजिस्ट्री के द्वारा की है। दिनांक 10/5/5 में और चौकी इंचार्ज मंडी चौकी इंचार्ज को दी है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई। कब से यह आपके जो है पैसे डले हुए उनके? हमारे जून में इनने 52,250 लिए थे और इसके बाद 13 जुलाई को इनने 52,250 रुपया लिए। कहाँ रहते हैं कौन हैं? ये राजपूत कॉलोनी में जुनेद सनोप शहजाद अली खां किलेदार के पद पर सिंचाई विभाग में काम करते हैं।